अंत बहिष्कार हो। हाँ जी हाँ, अंत बहिष्कार हो। विकास नहीं तो होश नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी ड्यूटी शाम रहे, तेरी हवेली से ऊंचा न मेरा बघा सिसवाप संतपुर पंचायत के बसंतपुर गांव के चार वार्ड के 2500 मतदाता लोकतंत्र के महापर्व को करेंगे बहिष्कार। हाथ में तख्ती लेकर किया विरोध प्रदर्शन। विकास नहीं तो वोट नहीं का दिया नारा, टेम्पो से करा रहे हैं प्रचार प्रसार। आजादी के वर्षों बीत जाने के बाद भी नहीं हो सका बसंतपुर गांव के चार वार्डों की समुचित विकास। मसान नदी में पुल, बसंतपुर चौक से सिरखिया मुख्य सड़क का नहीं हो सका निर्माण। स्वास्थ्य सेवा नहीं, जलजमाव की बनी समस्या। नाली निर्माण नहीं होने से बढ़ी जलजमाव की परेशानी। न्यूज 9 टाइम्स पश्चिम चंपारण बघा से नवल ठाकुर की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण जिला के बघा अनुमंडल अंतर्गत प्रखंड बघा 1 के सिसवा बसंतपुर पंचायत के बसंतपुर गांव के चार वार्ड के लोगों ने विकास नहीं होने के आरोप में गुरुवार को लोकसभा चुनाव को बहिष्कार करने का निर्णय लेते हुए विरोध प्रदर्शन किया। कहा कि उक्त चार वार्डों के बूथ संख्या 270 व 271 के 2500 मतदाता लोकतंत्र के महापर्व को बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। चुनाव बहिष्कार करने को लेकर बसंतपुर गांव के चार वार्डों में टेम्पो से व्यापक रूप से प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। वोट बहिष्कार कर रहे प्रदर्शनकारी मजहर आलम, संतोष प्रसाद, मुस्ताक अहमद, इमामुल्लाह, मो इमरान, नंद किशोर प्रसाद, रजनीश केसरी, ताराचंद प्रसाद, दीनानाथ ठाकुर, मो अरशद, जमीरुद्दीन समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बताया कि आजादी के वर्षों बीत जाने के बाद भी बसंतपुर गांव के चार वार्ड विकास योजना से वंचित है। सड़क में जलजमाव से आवागमन की परेशानी काफी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि मसान नदी में पुल निर्माण कराने को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 2-2 बार आवेदन दी गई, साथ ही स्थानीय सांसद व क्षेत्रीय विधायक से मसान नदी में पुल निर्माण, बसंतपुर चौक से सिरखिया चौक तक सड़क निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र, नाली निर्माण कराने की मांग की गई, लेकिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन ही दिया गया तथा पंचायत के मुखिया पर भी उक्त चारों वार्डों के लोगों ने विकास के नाम पर अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मसान नदी में बाढ़ आ जाने से 4 माह तक तेलपुल गाँव होते हुए रामनगढ़ की रास्ता बंद हो जाता है तथा वे विवश होकर 14 किमी की जगह 40 किमी की दूरी तय कर रामनगढ़ बाजार करने जाते हैं। कहा कि भले ही सरकार बिहार में विकास योजनाओं की ढिढोरा पीट रही है, लेकिन बसंतपुर गांव के चार वार्ड आज भी विकास कार्यों से अछूता है, जहां सड़क, स्वास्थ्य, नाली निर्माण के साथ ही सरकार की सभी कल्याणकारी व महत्वाकांक्षी योजनाओं से वंचित है। उन्होंने कहा कि चारों वार्डों में विकास नहीं तो वोट नहीं का नारा देते हुए लोकसभा चुनाव बहिष्कार करने का निर्णय लिया। न्यूज 9 टाइम्स। क्या मांगे हैं आप लोगों की? मुख्य मांगों में पुल है, नदी का, उसमें एक मसला बांध का भी है, इसलिए कि जब आप देखेंगे जाकर के नदी के पास तो उसका पास भी गए। क्यों वोट का बहिष्कार किया जा रहा है? हम लोग आजादी के बाद से आज तक हमारे पंचायत के हमारे गाँव में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है। हमारे यहाँ नदी का सबसे पहले नदी पर पुल, मसान नदी में बसंतपुर से सिरकहिया जाने वाली सड़क, मान लीजिए कि हम लोग अस्पताल नहीं है, 4 महीने दिन हम लोग खटिया पर मरीज को लाद कर कांधे पर ले आकर नाव हिलाकर नाव पर हम लोग हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। सुविधा यहाँ पर नहीं, कोई सुविधा हमारे यहाँ इस पंचायत में नहीं, इस गाँव में नहीं है। ये कौन सा पंचायत है? ये सिसवा बसंतपुर पंचायत के बसंतपुर गाँव है, जिसमें 4 वार्ड है। हम लोगों को बहुत हीन भावना से छाट दिया गया है, जो हमारे गांव में कोई आज तक विकास का काम नहीं हुआ, चाहे मुखिया हो या सांसद प्रतिनिधि हो या विधायक प्रतिनिधि हो या जिला परिषद हो, आज तक एक रोड़ी का काम हमारे पंचायत में नहीं किया गया है। कितने लोग बहिष्कार करेंगे? हमारे बसंतपुर ग्राम के 4 वार्ड के मिलकर 2400 मतदाता है, 2400 मतदाता हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम नंद किशोर प्रसाद है। बोले हैं, पहले भी बोल चुके हैं ये लोग, 72 साल आजादी के बाद भी अभी तक हम लोग इस 4 वार्ड से सिसवा बसंतपुर पंचायत जो है इसमें 11 नंबर और 12-13-14 नंबर वार्ड के अभी तक हम लोग काम से सब कुछ से वंचित है। संसद विधायक सब से कहने के बावजूद, मुखिया से भी कहने के बावजूद
हमारे यहाँ चारों वार्ड में एक भी काम नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी समस्या है यहाँ के सब जनता उब हो करके तीन साल हम लोग सब पूरे लोग जनता मन बना चुके हैं कि हम लोग मतदान नहीं करेंगे। कितना मतदाता है आपके यहाँ चार वार्ड में? 2400 से 2500 तक का है यहाँ पर वोटर। नहीं, सब लोग मन बना चुके हैं कि हम लोग इस बार वोट नहीं करेंगे। क्या मांग है? जी मांग है क्या है? मांग यही है कि नदी में हमारा पुल जो है रामनगर जाने के लिए 14 किलोमीटर यहाँ पड़ता है, और लौरिया होकर धर्मकता होकर जाएंगे हम लोग तो 35 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसके अलावा हम लोगों को बाजार से लेकर के सिरकहिया जाने के लिए इस पर भी हम लोग संसद विधायक को भी हम लोग घुमा चुके हैं। सब लोग आश्वासन दे रहा है काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा बसनपुर से भी सिरकहिया जाने के लिए ये भी उसी तरह है। हमारे बाजार से मौजे से लेकर के सिसवा तक जाने वाला भी रोड में आप लोग देख ही चुके हैं कि काफी पानी है। स्कूल के बच्चा जाने के लिए परेशान है, गिरते उड़ते जा रहा है, और नाली जो है हमारा PWD में नहीं भर रहे, चार वार्ड में कहीं पे भी नाली नहीं है, इसलिए नाली का भी समस्या बहुत ज्यादा है। अगर कोई हम लोगों को जब तक आश्वासन ठोस नहीं मिलता है तब तक हम लोग इंसान वोट नहीं करेंगे। काम नहीं होगा तो हम लोग खाली वोट देने के लिए नहीं ना, हमारा जनता है तो जब सब लोग मूड बना चुका है कि हम लोग वोट तीन साल नहीं करेंगे, आजादी के बाद से यहाँ पर आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं मुयसर हुई। यहाँ पर हम लोग जो रामनगर जाते हैं सीधा हम लोगों का रास्ता 14 किलोमीटर होता है, लेकिन पुल के नहीं रहने की वजह से हम लोग लौरिया धर्मकता होते हुए जाते हैं 35 किलोमीटर पड़ता है। इसके लिए मैंने 3-3 बार तब मुख्यमंत्री को भी दरखास्त दिया, गन्ना मंत्री उस वक्त खुर्शीद आलम थे उनको दरखास्त दिया, मदन सहनी जिया जिला प्रभारी थे उनको दरखास्त दिया, लेकिन आज तक किसी ने कोई कान नहीं धरा। यहाँ सांसद और विधायक आते ही नहीं है, सिर्फ वोट के वक्त उनका प्रतिनिधि कोई आता है और ये आश्वासन देकर चला जाता है। मुख्य रूप से क्या मांगे आप लोगों की? हम लोगों को सबसे पहले एक पुल चाहिए नदी में, रामनगर जाने आने के लिए सुविधा हो। यहाँ से हम लोगों को बगहा बेतिया मुख्य मार्ग पर जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, सिरकहिया के लिए रोड में हम लोग यहाँ से बसंतपुर से सिरकहिया के लिए अभी तक इतना पानी पार करके हम लोग जाते हैं बरसात में। यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, नाला वगैरह या गाँव के रोड सब खत्म है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर इतना पानी लगा हुआ है, अभी भी थोड़ा सा बरसात के दिनों में कैसे आप लोग आवागमन करते हैं? नाव से आवागमन करते हैं। कितने दिनों तक? 3-4 महीने तक नाव से। जी जी आपके बसंतपुर पंचायत में।